जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप माहौल देख सकते हो कितना खुशनुमा माहौल है और हर जगह बिल्कुल दिवाली की तरह घर सजे हुए हैं। हर घर दीपावली की तरह बिल्कुल सजा हुआ है। सारे मंदिर वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से सजे हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने दीप प्रज्वलित किया या नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए कितना हर जगह दिए की ही रोशनी है। देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मन को बहुत सुकून मिल रहा है। आज हमारे रामलला अपने दरबार में स्थापित किए गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपने दिए प्रज्वलित किए या नहीं, आपके शहर में क्या क्या चीज़ें हुई ये भी ज़रूर बताना। सर्दी भी बहुत ज़ोरों की हो रखी है लेकिन लोगों को देख कर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सर्दी है। बहुत ही ज़्यादा बाहर भीड़ हो रखी है। ये सामने झांकी बनाई गई थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और हर जगह दिए ही दिए दिख रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि रात का समय है, ऐसा लग रहा था जैसे दिन हो। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, हर जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी सजावट हो रखी थी। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। दुकानों के सामने ऐसे ओम बनाया गया था, श्री बनाया गया था, जय श्री राम वगैरह लिखा गया था। कुछ दिए बुझ भी गए हैं और कुछ जल रहे हैं और बाकी जलाए भी जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जय श्री राम के सब नारे लगा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सजावट भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। बहुत ज़्यादा ही सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे रामलला 5 साल के बाद अपने मंदिर में स्थापित किए गए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 5 साल से वो टेंट में रह रहे थे, आज वो अपने निजी घर में पहुँचे हुए हैं सही मायने में। तो आज दिवाली का दिन है जिस खुशी में हम दिवाली मनाते हैं कि श्री राम अपने घर आए थे। बट वो तो घर आए ही नहीं थे, वो टेंट में थे। तो आज वो फाइनली अपने घर आए हैं। ये मैं जा रही हूँ, यहाँ पे राम जी की कुटिया बनाई गई थी इस तरीके से। बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से मैं बहुत अच्छे से आपको नहीं दिखा पाई लेकिन ये भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। और दिए तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह दिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जय बजरंगबली। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। दिए देख के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपने दिए जलाए या नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने इस खुशी के मौके पर क्या क्या किया ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, पूजा की। और इस मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था इसलिए मैं बाहर से ही वीडियो बना रही हूँ। ये आप देखिए पटाखे कितनी अच्छी तरीके से लहरा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में लहरा रहे हैं इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये जय भोले बाबा, इनका भी दर्शन कर लीजिए। और सामने यहाँ भी दीप प्रज्वलित हुए हैं, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पास में ही रंगोली बनाई गई है। जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखना।